जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जनमत की पुकार न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए। मेष लग्न वाले व्यक्ति, आज आप विद्याध्ययन धर्म के प्रति रुझान, स्वास्थ्य उतार चढ़ाव जैसी स्थिति के साथ व्यतीत हो सकता है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि की तिथि द्वितीया है, जो कि आपके लिए मध्यम कारक रहेगी। दूसरी राशि है वृख। वृख राशि वाले व्यक्ति, अजनबी लोगों के से भेंट हो सकती है, अटके हुए काम सिद्ध संपन्न होंगे, विदेश गमन विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्त्री पक्ष से हानि की स्थिति हो सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति, माता पिता आदि को लेकर के कोई चिंता ग्रस्त जैसी स्थितियां आपके साथ आज व्यतीत हो सकती हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग संयोग बन रहे हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति, आज आपके लिए कोई मिथ्या दोष जैसी स्थितियाँ लग सकती हैं, अटका हुआ काम भी संपन्न हो सकता है, सचेत सतर्क सावधान रहें। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति, धर्म के प्रति रुझान होगा, अटके हुए काम संपन्न हो सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार विशेष स्थिति रह सकती है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, माता पिता आदि का पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति, व्यापार जगत से लाभ प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, अटके हुए काम सिद्ध संपन्न होंगे। दशम राशि मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति, कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों पर विजय प्राप्त हो सकती है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग संयोग बन रहे हैं, धर्म के प्रति रुझान विशेष होगा। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति, आज आप के लिए कोई मिथ्या दोष की स्थितियां भी लग सकती हैं, सचेत सतर्क सावधान रहें। मानसिक तनाव बेचैनी कम हो सकती है, अन्य कार्यों में यदि कोई हाथ रखते हैं पैर रखते हैं तो आपका काम सिद्ध संपन्न हो सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीतामरा, जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।